घर और मंदिर में क्या फर्क है? आपका घर जहां आप रहते हैं और मंदिर आप जब जाते हैं, तो दोनों में आपको क्या फर्क है? डेफिनेटली यहाँ आपका घर है तो यहाँ लोग रहते हैं, वहां मंदिर है तो वहां भगवान बस। भगवान तो सब जगह है ना, भगवान तो सब जगह है, तो भगवान को मिलने के लिए हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान तो आपके घर में भी है, घर के बाहर भी है। हम तो पेड़ों को भी पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, गंगा को पूजते हैं। मेनली मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने घर को, ऑफिस की बात अलग रखते हैं वो भी है, बट पहले होम को लेके ही मैं एग्जांपल दूंगा, तो दैट विल बी एप्लीकेबल टू योर ऑफिस एज वेल। ठीक है, तो जब मैं घर की बात करता हूँ, हम क्या सोचते हैं कि घर घर होता है जहां पे दो लोग, चार लोग, पांच लोग रहते हैं, और फिर उसमें हम देखते हैं कि घर में शांति नहीं है, घर में मजा नहीं आ रहा, घर में दिक्कत हो रही है, फिर बीमारियां होती है, फिर गरीबी आती है, दुनिया भर की बाधाएं, दुनिया भर की प्रॉब्लम, राइट? तो यहाँ पे मेन जो है कि हम घर को घर मानते हैं, और ये मान के चलते हैं कि जब जो दो लोग, चार लोग साथ में रहते हैं, चार बर्तन होते हैं तो खड़कते ही है। तो यही धारणा को हमें चेंज करना है, क्योंकि घर में जो लोग रहते हैं और जो मंदिर में जो माहौल होता है, दोनों को एक ही तरीके से एनर्जी वाइज हम पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन उसमें नजरिए का फर्क होता है। जो हिंदू नहीं है वो अपने धार्मिक स्थलों के बारे में सोचे, तो जैसे ही मान लो कि आपको मंदिर जाना है किसी ओकेजन में, या जैसे भी आप विजिट करते हैं, तो मंदिर जब जाते हैं आपका मेंटल स्टेटस क्या होता है? समझ रहे हैं क्या समझा रहा हूँ? आप झगड़ा करते हुए, गुस्सा करते हुए, गाली गलौज करते हुए कभी मंदिर जाते हो क्या? ऐसे ही उठ के कि चलो मंदिर जाना है चले जाते हो क्या? ऐसे ही कुछ भी कपड़े पहने हुए ऐसे ही चले जाते हो क्या? आपका एक मेंटल स्टेटस होता है। सुबह सुबह जब आप जाते हो मंदिर में, तो आप नहा धो के तैयार होते हो, माइंड में पहले से तैयार होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं। अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखना, शांत भाव से, अच्छे भाव से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से हम मंदिर जाने के बारे में सोचते हैं। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। हाउ योर एनर्जी चेंजेस विद योर थॉट एंड इमोशंस। तो एनर्जी कैसे चेंज होता है? देखिए, हम मंदिर जा रहे हैं इसीलिए हम घर से ही पहले से ही मेंटली तैयार होकर जाते हैं कि मंदिर जा रहे हैं, और हम शांत रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उस दिन बहुत हम्बल होते हैं, यू नो, सबके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। भिखारी वगैरह भी दिख गया तो हम उसको दान देना शुरू करते हैं। मंदिर के बाहर जाते हैं तो चप्पल जूते बाहर ही उतारते हैं, चप्पल जूते लेके ऊपर नहीं चढ़ते हो, ओके? और फिर आपका पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज अकॉर्डिंगली हो जाता है। आप धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ी को प्रणाम करते हुए जाते हो, घंटी बजाते हो, लाइन में खड़े होते हो, देखो आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है कि नहीं होता है? और इस बॉडी लैंग्वेज के साथ में आप बहुत हम्बल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, करुणा से भरे होते हैं, पॉजिटिविटी होती है, किसी के साथ कोई बैर नहीं, किसी के साथ गलती नहीं। आपको लगता है कि मंदिर में है, भगवान देख रहे हैं, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मुझे ये बताइए कि भगवान सिर्फ मंदिर में ही है क्या? आपके घर में नहीं है, रोड में नहीं है जहां आप झगड़े करते हो, या फिर आपके फोन के पास में नहीं है जब फोन में आप दूसरों के बारे में चुगली करते हो या फिर क्रिटिसाइज करते हो? करते कि नहीं करते? पॉजिटिव बात बताइए, सच्चाई बताइए, करते कि नहीं करते? घर में हम झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, जोर जोर से बोलते हैं। मंदिर में तो ऐसा नहीं करते। इसीलिए दोनों में जो वास्ट डिफरेंस आ रहा है वो है हाउ यू नो काइंड ऑफ अ परसीव अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स एंड यू नो बिलीफ एंड अकॉर्डिंगली एनर्जी इज क्रिएटेड। इसीलिए घर को नॉर्मल घर, दीवार और छत मानना बंद कर दीजिए। घर की एक अलग एनर्जी है, ऑलरेडी है, जो खराब है तो आप लोग परेशान है, इसीलिए परेशान है तो आपको रुकावटें हो रही है, बीमारियां हो रही है, तकलीफें हो रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। व्हाई दिस आर हैपनिंग? व्हाई? बिकॉज एनर्जी डिस्टर्ब हो गया है। सो एवरीथिंग इन दिस एनर्जी इज मेड अप ऑफ यू नो एटम्स, और एवरीथिंग जो भी पूरी दुनिया में है, तो घर भी तो आपके एटम से बना हुआ है, घर के अंदर जो एनर्जी वो भी तो एटम से एनर्जी है, राइट? तो हर जगह पे एनर्जी है, तो उसे चेंज करने का जिम्मेदारी किसका है? आपका है, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। एक तो थॉट्स और इमोशंस को चेंज करना है, अपने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, और अपना एक जिम्मेदारी ठहराना है कि मेरा घर भी मंदिर है। घर एक मंदिर, किसने सुना है? सुना है आप लोगों ने, घर एक मंदिर। सो घर भी आपका मंदिर है, इसीलिए अब आज से आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, जो मैं एक हफ्ते तक आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, और एक हफ्ते बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके घर की एनर्जी कितनी चेंज हुई। मैं अभी तक रेकी एंड माइंड पावर को यूज नहीं करवाया, अभी मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है? दूसरा डिफरेंस क्या बोलते हैं कि सर मंदिर में तो भगवान है, ठीक है भगवान है, लेकिन भगवान को हमने ही वहां रखा हुआ है, हमने ही वहां पे उनको स्थापित किया है, और हम ही ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है, ओके? क्योंकि एक पत्थर की मूर्ति बनाई गई जिनको हमने भगवान कहा, और उनको वैसे अगर बाहर रहे तो उनमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जब हमने उनको मंदिर में रखा एक भाव से,
फिर हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, फिर उसके बाद डेली बेसिस पर उनकी पूजा आरती करने लगे, और फिर हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो हमारा एनर्जी पॉजिटिव रहता है, और हमने उस एनर्जी से उस पूरे मंदिर के पर्यावरण को सींचा है, उस पे पूरी एनर्जी बनाई है, हम ही उसको पूरा एनर्जी क्रिएट करते हैं। और जब हम खुद परेशान होते हैं, अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, फिर उसी एनर्जी को लेने के लिए आप मंदिर में जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर की इंपॉर्टेंस खत्म करके आप घर में ही मंदिर बनाओ, नहीं, एनर्जी तो फिर भी वहां पे ज्यादा होगा। यहाँ पे आपके घर में 4-5-10 लोगों की टोटल मेंबर होंगे जिनकी एनर्जी बनेगी, लेकिन मंदिर में तो हजारों लोग आते जाते हैं, तो वहां की एनर्जी 100% पॉजिटिव है, हाईली यू नो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल है। बट थिंग इज कि सेम एनर्जी का कुछ हिस्सा 5-10% भी अगर आपने घर पे क्रिएट किया तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा, एंड देन उसकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। तो क्या होगा, थॉट प्रोसेस चेंज करना है, घर को मंदिर मानना है, घर को पूरी तरह से यू नो एनर्जी के फ्लो के लिए बना के रखना है, फालतू की चीजें जमा नहीं करनी, खुला 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 रखना है। ओके, सुबह शाम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए आप पूजा पाठ या फिर यू नो धूप अगरबत्ती से एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, पॉजिटिव भाव रखना है। घर में नियम बनानी है कि कोई जोर से चिल्ला के नहीं बोलेगा, गुस्सा करके नहीं बोलेगा, एनर्जी खराब नहीं करना है। और खाना बनाते वक्त जो आप लेडीज अगर आप बनाते हैं या घर में कोई भी बनाते हो तो एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए, हो सके तो कोई आरती ओम या गायत्री मंत्र लगा के खाना बनाना चाहिए ताकि वो खाना आपका प्रसाद बन जाए। कुल मिला के आप घर की एनर्जी को चेंज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। वहां एक एक घर की एक एक चीजों को आप पूजनीय मान सकते हो, चाहे वो आपके घर का बर्तन हो, चम्मच हो, गिलास हो, वो गिलास वगैरह बार बार गिरना यू ना आवाज करना बहुत ही गलत, बर्तन वगैरह तोड़ तोड़ के यू ना काइंड ऑफ एनर्जी खराब करना बहुत ही गलत है, राइट। तो आपको देखना है कि हर चीज में शांति होनी चाहिए, धीरे धीरे सौम्यता के साथ काम करो, हल्का हल्का यू नो तरीके से बात करो, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, प्यार से बात करो, एनर्जी खराब मत करो, ठीक है। आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, घर से बाहर चले जाओ। पुराने जमाने में तो बोलते ना कोप भवन होता था, जहां पे रानी को अगर नेगेटिविटी फील होती है, गुस्सा है, तो राजा बोलते कहां है, बोले कोप भवन में। क्यों? क्योंकि वहां एनर्जी खराब करो कोई बात नहीं, लेकिन घर पे नहीं, महल में नहीं। वो कोप भवन अलग से बना रखा है, जहां आपको गुस्सा करना है, इरिटेट होना है, आपको रुस्वा होना है, वहां हो जाओ, ठीक है, बट यहाँ नहीं, वो भवन अलग है। इसी तरीके से आपका एक अलग से कमरा हो जहां पे आप गुस्सा कर सकते हो, रहो, एक कमरा बना लो, लेकिन पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाने का आपकी जिम्मेदारी हो और आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप जिसके भी घर में नेगेटिविटी है, मान लीजिए कि आज के डेट में कई लोग हैं जिसके घर में अभी भी झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा है, इरिटेशन है, बीमार होते हैं, कितने लोग होंगे ऐसे लोग जिसके घर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आए बगाए ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, आए बगाए लोग हमेशा गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, ऐसा कोई है? जस्ट मी इन द चैट बॉक्स में चैट टाइप कीजिएगा, जिनके घर में अभी भी लगता है कि प्रैक्टिस तो कर रहे हैं हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है, आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो, लेकिन कई लोगों के घर में अभी भी अशांति है, सामने वाला नहीं मान रहा है, वो गुस्सा करता है, इरिटेट होता है, आपकी बात को नहीं समझ रहा है, कन्विंस नहीं होता है, ओके, और वो होलिस्टिक लाइफस्टाइल नहीं जी रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, ओके, दैट मींस आपके घर की एनर्जी में प्रॉब्लम है, ओके। अब उस एनर्जी को चेंज करने के लिए कोई वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई फेंग शुई करने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित को लाके भी पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं है, एनर्जी चेंज हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी आप किसी पंडित को बुला के पूजा कराना चाहते हो, आपकी मर्जी, बट थिंग इज ये सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही सब कुछ है, और प्लस रेकी एंड माइंड पावर से क्या किया जा सकता है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेन है कि आपको सबसे पहले घर की एनर्जी को चेंज करने के लिए अपना माइंड सेटअप करना है कि मुझे इसको मंदिर जैसा पर्यावरण बनाना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंदिर घर के बाहर आप दरवाजे में घंटी बजाना, नहीं, वो घंटी नहीं लटका देना, राइट। ये सिर्फ एनर्जी आपके थॉट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। लोग आएंगे तो लोग बोलेंगे कि आपके घर पे आके अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। उसके लिए अपने घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करो, कोशिश करो कि फालतू के कचरे, फालतू के चीजें जो बिना मतलब में रखा हुआ उन सबको बाहर निकाल दो, जैसे दिवाली में हम लोग करते हैं ना खाली, ऐसे ही अभी भी किया जा सकता है। सबसे पहले देखो फालतू के कपड़े पड़े हुए हैं, फालतू के निकालो, जितने भी फालतू की चीजें अनयूज्ड है जो सालों से पड़ा हुआ है उन सबको खाली करो, किसी गरीब को दे दो, कहीं कबाड़ खाने में दे दो, कहीं बेच दो, खाली करो, ओके। मैं इस हफ्ते में चाहता हूँ कि आप लोग ये क्लिंजिंग प्रोसेस करें, दिवाली नहीं है लेकिन फिर भी अभी करें अगर आपको अपने घर में पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। तो पूरे घर को चेक करो कि कहाँ कहाँ पे बेकार की नेगेटिविटी वाली चीजें पड़ी हुई है, फालतू की चीजें पड़ी है, उन सबको बाहर निकालो, किसी को दे दो या बेच दो, राइट। ये फालतू की चीजें घर में नहीं होनी चाहिए जो आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, ओके। जगह खाली करो सो दैट पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अच्छी तरीके से सर्कुलेट होने लगे। नाउ जगह थोड़ी खाली हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है,
अगले 3 दिनों तक, ओके, अगले 3 दिनों तक, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे फॉर एग्जांपल, आपको घर में नमक के पानी का पोछा लगाना है। जिसके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, उसकी बात कर रहा हूँ, नमक के पानी का पोछा 3 consecutive days लगातार लगानी है, ठीक है। एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें 2-3 मुट्ठी भर के नमक डाल दीजिए, घोल लीजिए और उसका आपने पोछा लगवाना है या लगाना है, जो भी आपको लगे, ठीक है। 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपकी मर्जी है, जितनी देर तक आप बोल सके, जितनी देर तक आप सोच सके, क्या क्या आपको चाहिए, अपने घर में कैसा होना चाहिए, बोले कि जो भी इस घर में आते हैं सब खुश होते हैं, जो भी आज घर में आते हैं उन्हें मेरे घर में रहना पसंद है, मेरे घर में यू नो स्टे करना पसंद होता है, उनको यहाँ पे आते ही अच्छा महसूस होता है क्योंकि मेरे घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, अच्छा है। इस टाइप से पूरे घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने का भाव करें और जो इस घर में रहते हैं, जो इस घर में आएंगे, उन सबको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, सबको लव एंड अफेक्शन मिल रहा है, सबको सुरक्षा मिल रहा है, सभी लोगों की पॉजिटिविटी के साथ में यू नो लाइफ बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है, लाइफ में उनकी हैप्पीनेस बढ़ रहा है, सबको जो अच्छा सोच सकते हो, जितनी दुआएं दे सकते हो सब डाल, ठीक है। अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यू नो, तो आपके पास घर में अगरबत्ती धूप होता होगा, उसे भी हाथ में ले सकते हो, धूप अगरबत्ती यहाँ रख लो, चार्ज कर सकते हो। धूप या अगरबत्ती की बात करो जिसको हम जलाते घुमाते हैं, उसको करने के बाद भी पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद उसको लेके अपने घर के हर कोने में जाइए, सेंटर ऑफ द रूम में जाइए, पूरा घर मेरा पॉजिटिव हो रहा है, कोने कोने में जाइए, जहां जहां पे एनर्जी ठीक करनी है वहां जाइए और पूरा आपने वो स्मजिंग करना है, इसको स्मजिंग बोलते हैं, धुआं लेके पूरा घर में धुआं करना है। चाहे तो आप पूरा का पूरा यू नो हवन कुंड लेके घूम सकते हो आप, ठीक है, जो कि हम लोग धूप करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, तो ये पूरे घर की एनर्जी को चेंज करना संकल्प है। रेकी से चार्ज कर रहे हैं हम, सिंबल्स भी डाल रहे हैं और उसको हम पूरे घर में फैला रहे हैं, उसकी एनर्जी चेंज होती है। अब ये सिर्फ करने से एनर्जी पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपको अब घर में ऐसा बिहेवियर करना है जैसे कि ये मंदिर है और जैसे कि आप मंदिर में करते हैं। याद है ना कैसे करते हैं, शुरू से ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, घर के अंदर आते ही, मतलब मंदिर में जाते ही आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होता है, मन में भक्ति प्रेम करुणा होता है कि नहीं होता है, सबके प्रति अच्छे से बात करना, फोन भी आता तो धीरे से बात करते या तो बात नहीं करते और किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करते, बैर नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, करते कि नहीं करते। सेम चीज जो कभी कभी आप मंदिर में करते हैं वही आपने घर पे करना है। जब आप ऐसा करने लगेंगे और आप जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, आप जेंट्स हैं या लेडीज हैं, जो भी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे घर में एक डिसिप्लिन बनाओ कि घर में कोई जोर जोर से चिल्लाएगा नहीं, कोई भी बुरा बात नहीं करेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा, नियम बनाए जो कि धीरे धीरे आदत पड़ेगी, सॉफ्टनेस लेके आए घर में, पॉजिटिविटी लेके आए और अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू करें। कोई भी चीज उल्टा सीधा उलट पुलट करके फेंकना नहीं है, चप्पल अंदर लाना नहीं है, जूते वहां फेंकना नहीं है, कोई भी चीजों को उल्टा चुलटा नहीं करना है, आपको उसे सही तरीके से रखना है और सही तरीके से अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, हर चीज की इज्जत करनी है, यू नो हर चीज में एनर्जी, हर एक को एक रेस्पेक्ट देना है। जब आप चेंज होंगे, जब आप प्यार से भरेंगे, धैर्य से भरेंगे और आप एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर पाएंगे।